हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो गाइस, जैसे कि आप मेरे चैनल पे वेलकम है आप सभी का। जैसे कि आज हमारा टॉपिक है, जो डिस्प्ले पे आपको दिख रहा होगा, कंपैरिजन बिटवीन कॉपर कंडक्टर एंड एल्युमिनियम कंडक्टर। ठीक है गाइस, ये दो के बीच में कंपैरिजन होगा। इसमें कोई एक्सप्लेनेशन वीडियो नहीं है, पहले बता दूं। अगर एल्युमिनियम कंडक्टर के होगा तो उसका पूरा सिर्फ एल्युमिनियम कंडक्टर और कुछ बहुत सारी डेफिनेशन होगी। ठीक है गाइस, तो चलते हैं। ये टॉपिक है और इसमें कुछ पॉइंट है वो कवर अप करेंगे कि कंपैरिजन क्या है। ठीक है गाइस, जैसे कि आपको पता है कंडक्टर दो तरह के होते हैं, कॉपर एल्युमिनियम, बहुत होते हैं जिंक, लेकिन जो बेटर होते हैं, जो ज्यादातर यूज होते हैं, उन्हीं के बारे में ही कंपैरिजन करा जाता है कि किस जगह पे किसको यूज करें, क्या करें, क्योंकि ये वायर के अंदर होते हैं। अभी तक हमने वायर पिछली वीडियो पढ़ी थी, तो उसी के हिसाब से ये भी चीज है। ठीक है, तो पढ़ते हैं कॉपर कंडक्टर। अब देखो, कॉपर कंडक्टर सबसे पहले पहला क्या होता है, हाई डिग्री ऑफ इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी, ये सह लेता है, हाई डिग्री ऑफ इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। टफ स्लो टू टर्निस, यानी ये टफ भी है और स्लो, कभी धुंधलापन आ जाता है, कभी ये हो जाता है, वो चीज होती है, तो ये इसमें होती है। ठीक है, थोड़ा भद्दा भद्दा, थोड़ा आंखों से नहीं दिखता, उस तरीके का है। ठीक है, स्लो टू टर्निस, टर्निस का मतलब है धुंधलापन। कैन बी ज्वाइन विदाउट एनी स्पेशल प्रोविजन टू प्रिवेंट इलेक्ट्रोलाइटिक एक्शन, यानी कैन बी ज्वाइन, क्या हम ज्वाइन कर सकते हैं विदाउट एनी स्पेशल प्रोविजन, बिना अलग चीजों स्पेशल कुछ चीजें यूज करके, प्रिवेंट यानी उसमें यूज करके इलेक्ट्रिकल एक्शन में। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया, कॉपर में ये तीन तरह का। तो पहली बात, वो डिग्री ऑफ इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी, हाई डिग्री ऑफ इलेक्ट्रिविटी कंडक्टिविटी होता है। ठीक है, उसमें स्लो टू टर्निस होता है, धुंधला बना जाता है। कैन बी ज्वाइन विदाउट एनी, मतलब हम ज्वाइन कर सकते हैं बिना स्पेशली कुछ प्रिवेंट करे। ठीक है, ये चीज होती है, कुछ चीजें अच्छी है, कुछ नहीं है। अब आते हैं एल्युमिनियम को। देखो गाइस, कुछ भी चीज परफेक्ट पूरा नहीं होता है, सब में कुछ ना कुछ खामियां होती है। चाहे एल्युमिनियम ले लो, तो हम वही बोलते हैं ना, दोनों एक जगह यूज नहीं कर सकते, हमें पर्टिकुलर एक ही यूज करना पड़ेगा। ठीक है, एल्युमिनियम कंडक्टर, एल्युमिनियम कंडक्टर क्या होता है गाइस, सबसे लो प्राइस एंड लाइट इन वेट। गाइस, सबसे पहली बात मैं बता दूं, किसी भी चीज को ना, अगर कोई चीज लेने जाता है, तो पहले आजकल की डेट में तो सब यही देखते हैं कि प्राइस कैसा है, हाई रिलायबिलिटी है या नहीं है, लॉन्ग लास्टिंग यानी लॉन्ग लाइफ है या नहीं है उसकी, काफी दिन तक चले, क्योंकि हमें तो सस्ते दाम में अच्छी चीज चाहिए होता है, जबकि वो पॉसिबल कहीं कहीं हो पाता, कहीं कहीं नहीं हो पाता। ठीक है, पॉसिबिलिटी पूरी कभी कवर अप नहीं हो पाती, वही चीज है। तो भाई, ये लो प्राइस एंड लाइट इन वेट होता है। ठीक है भाई, तो फिर सब लेंगे, मैक्सिमम लोग तो आधे कवर हो गए इसी में। पेलेबल, इट कैन बी यूज इन सॉलिड कोर केबल। ठीक है, ये पेलेबल होता है, पेलेबल मतलब इट कैन बी यूज इन सॉलिड कोर केबल, ये सॉलिड कोर केबल के अंदर होता है। यानी ये है ना कि सॉलिड कोर, कोर का मतलब होता है एक, वो मान लो कवर हो गया, मान लो वायर का, केबल का, जिसके अंदर होता है। ठीक है, ये वही यूज होता है। एक्सीलेंट रेजिस्टेंस टू करोजन। ठीक है, यानी गाइस, कभी करोजन, करोजन का मतलब जंग या फिर कुछ चीजें खराब होने लग जाती है। ठीक है, उस कंडक्टर में, उस चीज को, उसमें एक्सीलेंट है, एक्सीलेंट का ना बहुत अच्छा, ये होता नहीं है, हाई रेजिस्टेंस टू करोजन, कितना भी कुछ खराबी हो वो सब चीजें पर ये नहीं होगा। तो बेटर यही लग रहा है कि एल्युमिनियम है इसमें। तो हम किसी भी दो चीज को कंपेयर करें तो एक तो बेटर होगा ना, चाहे थोड़ा सा ही बेटर हो, लेकिन बेटर होगा ना, उसको हम बेटर क्यों बोलते हैं। तो डिपेंड करता है लोग इसको किस पर्पज से यूज करते हैं, इसको क्यों पर्पज। अगर हाई डिग्री ऑफ इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी की बात कर दिया जाए, तो क्या हम एल्युमिनियम यूज करेंगे, नहीं। तो ये चीज भी देखा जाता है कि हम क्या चीज कहाँ यूज करते हैं, ऐसा नहीं कि उसका यूज नहीं होता, होता है, जब भी बिना यूज के दो में कंपेयर करा ही नहीं जा सकता, नहीं तो ऐसे लोग ऐसे ही पहचान ले, ज्यादा अच्छा है, तो फिर तो दूसरे की कंपैरिजन कर ही नहीं जाती। ठीक है, तो मिलते हैं गाइस, ये टॉपिक यहीं पे कवर करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट, जो कुछ ना समझ में आया कमेंट में डालना और बताना कि सर इसके ऊपर एक्सप्लेन वीडियो, एक्सप्लेन करके उस टॉपिक का नाम लिखना और बोल देना, बस टाइम मिलते ही मैं वो वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा।